150,000 यूजर्स इसमें हम पार कर गए, विच इज अ रिकॉर्ड ऑफ सॉर्ट. पिछला वाला रिकॉर्ड अभी कल परसों की स्पेस का था, जो एंकर इमरान रियाज खान है, 18,000 या 20,000. तो एक ये रिकॉर्ड है, और जो हैश टैग जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर, ये जो हैश टैग इस सब पूछ रहे हैं कि खान साहब आपको हमारी आवाज़ आ रही है, हम ये इतना जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं. तो प्लीज़ उन सब के लिए कहें जो अपनी जॉब को सेक्रीफाइस करके, अपना फैमिली टाइम सेक्रीफाइस करके, कुछ सारी चीज़ें पीछे छोड़ के ये प्रोटेस्ट में लगे, उनके बारे में प्लीज़ कुछ कहिएगा. मैं ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, ये एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोटेस्ट है, और प्रोटेस्ट है उनको बताने के लिए जिन्होंने ये साजिश करके, बाहर से भी जो लोग जिन्होंने साजिश की और जो अंदर बैठे हुए थे हमारे मीर जाफर, उन्होंने जो साजिश की, उनको ये बताने के लिए कि ये कौम वो वक्त चला गया कि जब एक दो जुल्फिकार अली भुट्टो को बैरूनी साजिश से उसको फारग किया गया था, तो तब इस तरह की जो मीडिया था वो बड़ी इजीली कंट्रोलेबल था, तब सोशल मीडिया नहीं था। ये ज़माना और है, और ये लोगों की जो इस वक्त मुसलसल एक प्रोटेस्ट है, और ये मैं समझता हूँ, ये कई लोग समझते हैं कि जी ये बड़ी थोड़ी देर के बाद ये डाई डाउन कर जाएगा, मैं समझता हूँ कि ये डाई डाउन नहीं करेगा, ये एक तहरीक बन गई है और ये अब इससे और ज़्यादा आगे जाएगी, क्योंकि और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इस वक्त जो अवेयरनेस है, जो शऊर आ गया लोगों के अंदर, यूथ के अंदर, वो कभी भी इसको डाई डाउन नहीं होने देगा जब तक इलेक्शंस पाकिस्तान में नहीं अनाउंस होते। सर, एक क्वेश्चन आ रहा है। आज डीसी ऑफिस ने एक सिक्योरिटी थ्रेट लेटर सर्कुलेट की है कल के जलसे के हवाले से, और उस पर उन्होंने आपको रिकमेंड किया है कि आपको वीडियो लिंक से एड्रेस करना चाहिए और जाना चाहिए। सो उस पर बहुत से लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप आएंगे लाजमी कल? बिल्कुल मैं आऊँगा, 100% मैं उस जलसे, मीनार पाकिस्तान के जलसे में, क्योंकि देखें मीनार पाकिस्तान एक बहुत हमारे लिए एक स्पेशल जगह उसकी है, क्योंकि वहाँ पाकिस्तान रेजोल्यूशन 1940 में उसको टेबल किया गया था, और वो एक हिंदुस्तान के मुसलमानों ने फैसला किया था कि हम आज़ाद रहना चाहते हैं, और आज़ादी के लिए वो जो जो आज़ादी वो पाकिस्तान था सिंबल आज़ादी का, और उधर ही जाके हम अपनी हकीकी आज़ादी की कैंपेन तहरीक लॉन्च करने लगे। जो मर्जी हो जाए मैंने वहाँ जाना है, और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड क्राउड आएगा। ठीक है. क्वेश्चन अच्छा, बस मुझे पता है हमारा टाइम थोड़ा ऊपर हो रहा है, तो जल्दी जल्दी जो स्पीकर्स आएंगे प्लीज क्विकली क्वेश्चन अपने रखिएगा. अली जी आप, और फिर तौफिक साहब आप. जी, अस्सलाम वालेकुम खान साहब। इट्स एन ऑनर टू टॉक टू यू। मैं सिर्फ सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ, मैं एक ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, मैं पढ़ने के लिए क्या कहते हैं बाहर आया हुआ। मैं आपके थ्रू इन लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये ऑपोजिशन वाले दिन रात हमें बुरा भला ओवरसीज पाकिस्तानी इसको कहते हैं, हम पढ़ने के लिए बाहर आए हुए हैं, तो आप प्लीज़ इनसे सवाल किएगा कि हमारे मुल्क के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स तबाह किसने किए जो ओवरसीज पाकिस्तानी इसको अपने घर छोड़ के जाना पड़ता है। और दूसरा, ये क्या कहते हैं, जब से पावर में आए हैं ये आपके टाइम में जितने अच्छे काम हुए थे उनको रिवर्स कर रहे हैं। उनमें से एक बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए एक चीज़ है, सिंगल नेशनल करिकुलम, जो हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। अब एहसास के बाद जो हमें नज़र आ रहा है, जो अगला डर है कि ये इसको भी क्या कहते हैं रिवर्स करने की कोशिश करेंगे, तो आप लोग इसको किस तरह काउंटर करेंगे? थैंक यू। देखिए हम बाहर बैठ के तो काउंटर नहीं कर सकते, लेकिन इंशाल्लाह ये इलेक्शन में हम जीत के आएंगे, हम ये सब कुछ बल्कि इनको तेज़ी से आगे की तरफ लेके जाएंगे। देखिए हमारा जो एम्फेसिस है ना वो ये है कि पाकिस्तान अपने पैर पे खड़ा हो। पैर पे तब खड़ा होगा जो पाकिस्तान के अंदर डॉलर्स उतने आए कि हम जो हमारी इम्पोर्ट्स हैं उसको उसको मीट कर सके। वो इंशाल्लाह हमारे रिकॉर्ड पाकिस्तान की तारीख में डॉलर्स हमारे दौर में आए, रेमिटेंसेस भी रिकॉर्ड 31 अरब डॉलर, एक्सपोर्ट्स भी रिकॉर्ड 32 अरब डॉलर। पहली दफ़ा आईटी की एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान में सही डायरेक्शन में, क्योंकि हमने आईटी के लिए बड़े कंसेशंस दिए, टेक्नोलॉजी जोन्स बनाए, तो पाकिस्तान अब उस तरफ निकल गया है। तो हमारी कोशिश है कि हमें कभी आईएमएफ के पास ना जाना पड़े, और हमें कभी किसी से धमकियां ना मिलनी पड़े, क्योंकि हमारे पास हम अपने पैर पे नहीं खड़े। लेकिन ये जो रिफॉर्म्स हैं, बिलियन ट्री सुनामी, ये जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर हैं, जो डैम्स हमने बनाए, वो तो खैर कोई नहीं रोक सकता, लेकिन सिंगल नेशनल करिकुलम बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान में।
ये जो एजुकेशन अपार्ट एलीट के लिए जो सेपरेट सिस्टम था उसको चेंज करना और एक एक नेशन बनाने के लिए, फिर जो हमने रहमतुल आलमीन अथॉरिटी बनाई उसका मकसद ये है कि सीरत नबी बच्चों को पढ़ाया जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक बड़ी कौम जो होती है अजीम कौम बनती है उसका कैरेक्टर बड़ा अजीम होना चाहिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना में ट्रांसफॉर्म की थी सोसाइटी जिसकी कोई हैसियत नहीं थी, वो जो लोग जिनकी जिनको जिनको कोई यानी उनको कोई मानता ही नहीं था, दो सुपर पावर्स थी दोनों तरफ, वो देखते देखते उन्होंने 10 सालों के अंदर उसको ट्रांसफॉर्म करके और वर्ल्ड लीडर्स बना दिए और ये तारीख का हिस्सा है। तो उन्होंने जहन बदले थे, उन्होंने उनके एथिक्स ठीक किए थे, अमर बिल मारूफ सारी कौम को लगा दिया था अच्छाई के साथ खड़े और बुराई के खिलाफ। ये जो होता है ना कि जी मैं ना इधर हूँ ना इधर हूँ, ये उन्होंने निकाल दिया था इंसानों से कि आपने अच्छाई के खिलाफ और बुराई के अगेंस्ट, और फिर ये जो अदल और इंसाफ, ये जो चेंज लेके आए थे ये तब आएगा अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सीखे जो हमें हुक्म है कुरान से। तो ये जो चीज़ें हम लेके आए ये इंशाल्लाह ये जो भी कर लें ये ज़्यादा देर नहीं रहेंगे और इंशाल्लाह हम आगे सारी ये फिर से और तेज़ी से आगे लेके जाएंगे। सर एक क्वेश्चन है कि इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया में और बाहर बहुत से दूसरे मुल्कों में इस वक्त पाकिस्तान एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट बना हुआ है, स्पेशली जो सब्जेक्ट ऑफ रिजीम चेंज है। सो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है लेकिन कोई आपका फॉरेन मीडिया के साथ इंटरेक्शन नहीं हुआ लेटली, तो क्वेश्चन इज कि आप कब तक एक्सपेक्ट करें लोग के आपका कोई इंटरेक्शन आएगा फॉरेन मीडिया के साथ? मैं ये इसके बाद इंशाल्लाह ये जब हो जाएगा हमारा कल का जलसा उसके बाद मैं फॉरेन मीडिया से बात करूँगा, मैं इंटरव्यूज भी दूंगा इनको। जी जिब्रान का क्वेश्चन। जी तौफीक साहब हैं, लेकिन इससे पहले एक बहुत अगेन नंबर बहुत ज़्यादा नंबर में ये क्वेश्चन आ रहा है कि खान साहब आपको सच सच में ये सच वो कह रहे बड़ा कैंडिडली बताइएगा कि जो संडे को पब्लिक निकली जब ये एक दिन के बाद जब आपने कहा था कि संडे को आपने निकलना है, तो आपने सच सच बताइएगा कि आपने इतनी पब्लिक एक्सपेक्ट की थी जितनी निकली थी संडे को लीडर्स के बगैर हर सिटी में दुनिया के कोई कौन? जिब्रान मैं आपको 100% सच बोल के बताता हूँ कि मैंने इसका 5% एक्सपेक्ट कर रहा था कि 5% निकलेगी जो पब्लिक निकली है, यानी मैं आंसर है इसके मैं बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। उमूमन ये होता है पाकिस्तान के अंदर कि जब भी कोई जाता है तो लोग मिठाइयाँ बांटते हैं। जो भी मैंने ज़िंदगी में जिस भी आदमी को रिप्लेस किया है तो लोगों ने मिठाइयाँ बांटी, तो मैं खुद उसके डायनामिक्स है ना, देखिए हार जीत के डायनामिक्स होते हैं वो, और क्योंकि सारी ज़िंदगी मेरी हार जीत पे गुजरी है तो वो कहते हैं ना कि फेलियर इज़ एन ऑफन एंड सक्सेस इज़ मेनी फादर्स। तो जब आप हारते हैं तो लोग एक ऑटोमेटिकली यानी आपके लिए निकलते नहीं हैं। तो मैं बड़ा यानी मैं मेरे लिए तो वो बड़ी, आप यकीन करें कि उससे जितना मुझे खुशी हुई लोगों को देख के, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टरशिप से ज़्यादा कि हम एक कौम बने कि कौम जो है ना वो फिर सब कुछ कर सकती है। याद रखें जो कौम है वो पैसे भी इकट्ठे कर सकती है, वो कर्ज़े भी दे सकती है, वो सब कुछ अचीव कर सकती है, लेकिन जब तक वो कौम नहीं बनती तो वो फिर इसी तरह ही रुलती है। तो मैंने पहली दफ़ा देखा है साइंस और मैंने अब जलसों में भी देखा है कि हम अब उस तरफ निकल गए हैं जिधर जो हमें आज से 75 साल पहले जाना चाहिए था एक कौम बनने के लिए। सही है। अच्छा आपने ये तो कहा कि आपको उससे स्ट्रेंथ मिली, आई थिंक सारे लोग जो सुन रहे हैं उन सब के बिहाफ पे कहता हूँ कि ये सब सुन के सबका मतलब यू एक्चुअली मेड आर डे कि हमारी वजह से आपको यू नो तो स्ट्रेंथ मिली, वरना तो आपने हमें सारी ज़िंदगी स्ट्रेंथ दी है किसी भी फील्ड में हो। अच्छा ये एक CTO है चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर IBM के NASA में, नईम अल्ताफ इनका नाम है, ये कह रहे हैं पैसे देने के अलावा ओवरसीज से हम क्या कर सकते हैं, और प्लीज़ इसका जवाब दीजिए। देखिए जो ओवरसीज ने जो प्रोटेस्ट किए ये भी अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान की तारीख में। हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी ने हर कैपिटल में जिस तरह निकले हैं, तो ये भी इसने क्या साबित किया? इसने पहली दफ़ा बताया है कि हम ये नाइंसाफी एक्सेप्ट नहीं करते, हम ये जो हुआ है ये जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हुई है और चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया बैरूनी साजिश के तहत,
ये एक्सेप्ट नहीं हम करते, ये बहुत बड़ी इसका, ये देखें जब कौम जिंदा हो जाती है ना, मैं आपको फिर से बताऊं, कौम ही अपनी आज़ादी को प्रोटेक्ट करती है, कौम अपनी जमहूरियत को प्रोटेक्ट करती है, कौम जो है वो अपनी अपने इंसाफ के निज़ाम के साथ खड़ी होती है, प्रेशर करती है कि वो डिमांड करती है इंसाफ, कौम है जो कि अच्छाई के साथ खड़ी होती है और बुराई के खिलाफ खड़ी होती है। तो जब कौम इस तरह जिंदा हो जाए, मेरे ख्याल में ये, अगर मैं आपको मैं कहूँ कि 26 साल की मेरी पॉलिटिक्स में जो मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई है वो अपनी कौम को इस तरह निकलते देखें। तौफीक साहब जी, तौफीक साहब और फिर यासिफ और फिर डन, तौफीक साहब। थैंक यू जिब्रान, अस्सलाम वालेकुम स्किपर। मेरा दो तीन बुलेट पॉइंट क्वेश्चंस है और एक सजेशन है। द क्वेश्चन इज के आप बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस के आप इस दफा फिर इलेक्टेबल्स के साथ जाएंगे या पीटीआई के कोर वर्कर्स को मौका देंगे? एंड सेकंड इज गॉड फॉरबिड, खुदा ना खास्ता अगर इलेक्शन कमीशन ने आपको नाइल कर दिया तो व्हाट इज योर प्लान बी, नॉट जस्ट फॉर यू, फॉर अस आल्सो। और तीसरा ये कि आप सिक्योरिटी प्रिकॉशंस क्या ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग सारे बहुत कंसर्न हैं, ना कि सिर्फ लोग पाकिस्तान में बट हम लोग यहाँ ओवरसीज में भी, कि आप सिक्योरिटी के लिए क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं। एंड माय सजेशन है इसके, जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि आर्मी हमारा एक इंस्टीट्यूशन है और इसके खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप छोटे छोटे क्लिप्स कभी कभी लगा दिया करें जो आपके फॉलोअर्स हैं, जो हार्ड कोर फॉलोअर्स हैं, यहाँ पे स्पेसेस होती हैं सोशल मीडिया पे, कमेंट्स होते हैं, कोई अदलिया को गालियाँ दे रहा होता है, कोई फौज को गालियाँ दे रहा होता है, कोई ISI को गालियाँ दे रहा होता है, आई मीन यू नेम इट, तो अगर आपकी तरफ से मैसेज जाएगा, बिकॉज वी फॉलो यू एज अ लीडर, यू आर आवर लीडर, इफ यू गोना से कि ऑल द पीपल हु फॉलो मी डू नॉट टॉक अबाउट दिस, तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ी हेल्प होगी, तो और आई थिंक हमें इदारों की इज्जत भी करनी चाहिए और एहतराम भी। थैंक यू। सॉरी, पहला क्वेश्चन क्या था, मुझे बाकी दो थी, क्या था पहला क्वेश्चन? क्या ये इलेक्शन कमीशन अगर देखिए, सबसे पहले तो कोई भी चीज उस केस के अंदर नहीं है फॉरेन फंडिंग, वो फॉरेन फंडिंग है ही नहीं उसके अंदर, बिल्कुल पार्टी को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते, हालांकि इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमारी पीटीआई को किसी को कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि जिस तरह के उन्होंने फैसले अभी तक किए हैं, सिंपल चीज ये है कि आप फंडिंग, ये सारी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि सारी पार्टीज की फंडिंग इकट्ठी देखी जाए, तो उनकी फंडिंग देख नहीं रहे और हमारे ऊपर चढ़े हुए, और हम बार बार कहते हैं कि हम पीछे नहीं हट रहे, हम चाहते हैं, और मैं इंशाल्लाह ये साबित होगा कि हमारी कोई भी हमारा गलत काम नहीं है, क्योंकि हमारी तो प्रॉपर पोलिटिकल फंड रेजिंग है, बाकी कोई तो है ही नहीं, तो अगर वो साथ करें तो दुनिया को तो पता चले कि एक्चुअली कौन सी पार्टी एक जिस तरह दुनिया के अंदर जो एस्टेब्लिश पार्टीज है, कंजर्वेटिव, लेबर इंग्लैंड में या रिपब्लिक, ये कैसे फंड रेजिंग करती है, तो वो सबके सामने आ जाएगा। दूसरा आपका क्वेश्चन था फौज का जी, और इलेक्टेबल्स का, देखिए इलेक्टेबल्स जो है इनमें से कई बड़े हमारे साथ खड़े रहे और अनफॉर्चुनेटली कई सिर्फ और सिर्फ अपने ज़ाती मफादात के लिए उन्होंने हमारे से बड़ी गद्दारी की, तो इसमें कोई शक नहीं कि इस बारी जो मैंने सबसे बड़ा फैसला किया कि टिकट्स, अब क्योंकि मैंने ये टिकट्स नहीं दी थे, ज़्यादातर टिकट्स मैंने नहीं दिए थे, इस बारी टिकट्स एक टिकट मैंने जाने नहीं देना जब तक मैं खुद उसको स्क्रूटनाइज ना करूँ, और बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, हमने प्रेफरेंस देनी है नज़रिए पर, क्या उनका कोई बिलीफ सिस्टम है, कोई नज़रिया है, या वो सिर्फ अपना देखते हैं कि किस तरह किस पार्टी के साथ जा सकते हैं और ज़ाती फायदा उठा सकते हैं, तो इंशाल्लाह इस बार ये गलती नहीं होगी। सर एक ऑक्यूपाइड कश्मीर से एक क्वेश्चन है और उनका ये कहना है कि आपके दौर में मकबूजा कश्मीर के बारे में बहुत एक ऐसा मौकफ उठाया गया था जिस तरह पाकिस्तान ने पहले कभी नहीं किया था, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड उनका सवाल ये है कि प्रैक्टिकल स्टेप्स जो हैं उसमें आपको कौन सी हिंड्रेंस आई थी ड्यूरिंग योर गवर्नमेंट स्टिंट और आप किस तरह से प्लान कर रहे हैं कि आगे अगली टेन्योर में वो ना आए? कश्मीर की बात जी, कश्मीर के बारे में देखिए, पहले तो हुकूमतें पिछली बात ही नहीं करती थी कश्मीर की, नवाज शरीफ की तो एक उनकी फॉरेन ऑफिस की स्पोक्स पर्सन थी, उन्होंने तो इंटरव्यू दिया हुआ है
कि इन्होंने हमें कहा था कि कोई हिंदुस्तान की तनकीदी ना हो, तो इनके बड़ा ओवरऑल थे, घबराते थे हिंदुस्तान के की कोई भी तनकीद करते हुए, दोनों जरदारी और नवाज शरीफ। और उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि इनके पैसे पड़े हुए हैं वेस्टर्न बैंक्स में, ऑफशोर अकाउंट्स में, इनकी प्रॉपर्टीज़ बाहर है, और उनको सारा वक्त डर लगा रहता है कि ये जिस तरह रशियन ओलिगार्क्स की प्रॉपर्टीज जब्त की जा रही हैं इस वक्त, तो इनकी भी प्रॉपर्टीज किसी वक्त जब्त कर सकते हैं, क्योंकि ये साबित ही नहीं कर सकते इनके पास पैसा किधर से आया, क्योंकि चोरी का पैसा है। इसलिए इन्होंने कभी भी वो, क्योंकि इंडियन लॉबी बड़ी ताकतवर है और वो अमेरिका में बहुत ताकतवर है इंडियन लॉबी, तो ये सारा वक्त उनको खुश करने की कोशिश करते हैं ताकि वो जो जिधर इनके पैसे पड़े हुए बाहर के मुल्कों में वो सेफ रहे। और इसलिए इन्होंने कोई कश्मीर के लिए कभी किसी किस्म की स्टैंड या स्टेटमेंट नहीं दी। हमारी कोशिश ये है कि मैंने हमें हर फोरम के ऊपर कश्मीर की बात की जाए, लोगों को बताया जाए कि किस तरह का जुल्म हो रहा है वहाँ, और उसमें हमारी गवर्नमेंट बड़ी कामयाब हुई, हमने हर फोरम के ऊपर इसको उठाया और लोगों में अवेयरनेस रेज की। और ये फिर एक, ये एक स्ट्रगल का हिस्सा है, आप जंग तो लड़ नहीं सकते, जंग लड़ने का तो सोचे भी कोई ना, क्योंकि जंग लड़ने का मतलब एक दो ताकतों के अंदर जिधर न्यूक्लियर आर्म्स हैं, आप सोचे भी ना जंग का। उसके अलावा हर फोरम के ऊपर, मीडिया पे, इंटरनेशनल फोरम्स, यूएन पे, हम इसको, इस केस को उठाए रखें। और मैं समझता हूँ कि ये जो कश्मीर की आजकल अवेयरनेस है, जो जो कश्मीर में जुल्म हो रहा है, ये जो हिंदुस्तान कर रहा है, मैं समझता हूँ ये कभी पहले नहीं थी इंटरनेशनल अवेयरनेस। जी जिब्रान, मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं है, आई हैव फ्यू सजेशंस ओनली। यू शुड वेयर बुलेट प्रूफ वेस्ट, यू शुड ओनली एड्रेस टू द पब्लिक रैलीज इनसाइड द बुलेट प्रूफ कैबिन, बिकॉज आप यू हैव सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट्स। और तीसरा सर जी, कि आपको एक ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है, पार्टी रिओर्गनाइजेशन इज द हेल लाइक मैंडेटरी, ये बहुत ज्यादा जरूरत है, और तब्दीली रजाकार प्रोग्राम। एंड लास्ट वन इज कि यू शुड हाईलाइट ऑल द इनिशिएटिव्स एंड डेवलपमेंट वर्क बीइंग डन बाय यू बाय द पीटीआई गवर्नमेंट। थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, एक चीज याद रखना कि मैं जब कैंसर हॉस्पिटल खोला था तो 6 साल मेरा ऑफिस था कैंसर हॉस्पिटल के अंदर, और मैंने वहाँ क्या चीज़ देखी कि हम जो समझते हैं ना कि हमें कोई ज़िंदगी के ऊपर कंट्रोल है, ये हमें बहुत बड़ी गलत फहमी है, क्योंकि अल्लाह का फैसला है कि जब उसने आपको लेके जाना है तो कोई उसको टाइम ना आगे ना पीछे नहीं कर सकता। और ये जब आपके ईमान का हिस्सा बन जाता है तो आप ठीक एहतियात करते हैं, लेकिन एहतियात की भी लिमिट्स हैं। अगर आप समझते हैं कि आप अपने आप को बिल्कुल सिक्योर कर लेंगे, ये नहीं हो सकता। और अगर मैं अपने आप को कमरे में बंद कर लूँ, समझो मैं, मेरी ज़िंदगी लंबी हो जाएगी, ये भी नहीं हो सकता। और इसलिए एक लिमिट्स में एहतियात करता हूँ, लेकिन आखिर में मेरा पूरा ईमान है अल्लाह में कि अगर वो आपको, आपको वो आपका टाइम अगर उसने नहीं रखा हुआ तो कोई कुछ नहीं कर सकता। और आपने जो दूसरी बात की, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल ठीक, हम बड़ी एक मैसिव मेंबरशिप कैंपेन करने वाले हैं, और हम अपनी पार्टी को मेंबरशिप कैंपेन के साथ साथ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और इंशाल्लाह मैं अब जो देख रहा हूँ कि हमारी पाकिस्तान में किसी पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन हमारा मुकाबला नहीं करेगी, इंशाल्लाह। जिब्रान, रिक्वेस्ट जो है ना वो मैक्सिमाइज हो गई है, तो बहुत से लोग भेज रहे हैं मुझे, व्हाट्सएप पे कह रहे हैं, लाइक वसीम अकरम इज देयर, अजमल जामी इज देयर, और बहुत सारे और हैं। तो जस्ट आस्क, एक ओपन माइक कर दें किसी का, ताकि अगर कोई पूछना चाहे तो कर लें, और हम फिर रैप अप कर लें। मोइज, अगर आपको वसीम अकरम देख रहे हैं, मुझे एक पहले अरशद शरीफ साहब जो है उनकी, उनका भी कहा था, मैं ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ, लेकिन वो देख ही नहीं रहा एक्चुअली।